ठीक है, देखिए क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, ऐसे इंटरवीन मत कीजिएगा। विनय सिंह बिन्नू जी, हालांकि आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं चुनाव प्रचार, आज अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच रहे हैं, आप बीजेपी को तो आप उन पर तो हमलावर हैं ही, कांग्रेस पर भी खूब निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर 2018 वाली स्थिति हो गई, कांग्रेस को जरूरत पड़ गई, तो क्या इस बार भी साथ देंगे? देखिए ये तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश में अब की बात बिना समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं भूमिका में समाजवादी पार्टी रहेगी और बिना समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बने। और रही बात भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, इन दोनों ने जनता को छला है। 2009 में आपको याद होगा जब गोपीनाथ मुंडे ने सदन में खड़ा होकर के कहा था कि जाति जनगणना के बारे में, उस समय जाति जनगणना को लेकर के नेताजी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों लोगों ने कहा था, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसको लंबित करने का काम किया था, जाति जनगणना कराने का काम नहीं किया। 2090 में बड्डन कमीशन के समय भी, उससे पहले जो है आरक्षण को जो है नहीं, इस बार अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी, पिछली बार तो आपने चले सहयोग कर दिया, इस बार क्योंकि इस बार तो धोखा मिला आपको चुनावों में। देखिए ये तो सत्य है कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और धोखा देती रही है, समय समय पर हमेशा धोखा देती रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश को बनाया जाए, देश का एक निर्माण करना जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नेशनल डिस्ट्रिक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तोड़फोड़ पार्टी है, यह देश को बर्बाद करना चाहती है, तो देश को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने विचारधारा वाली पार्टियों से समझौता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस हो या जो भी हो, देखा जाएगा, समय आएगा, अगर हमारे पीडीए के एजेंडे को मानने के लिए तैयार है कोई, क्योंकि पिछड़ा दलित और संख्यक का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, अगर इस पीडीए के एजेंडे को मानने के लिए तैयार है तो आगे देखा जाएगा, बातचीत होगी, लेकिन यह तय है कि मध्य प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं बन सकती।